ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਅਜੇ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 12ਵੀਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੀ ਹਾਂ इस तो इलावा दस दिए कि मंगलवार को पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा वालों कौमांतरी माँ बोली दिहाड़े के मद्देनज़र पंजाबी मात भाषा के प्रसार के विकास लिए चर्चा करने हित मीटिंग सदी सी मीटिंग मगरों सिक्ख्या ते भाषा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा पंजाब के सारे स्कूलों पंजाबी की पढ़ाई लाजमी की हुई है तो नर्सरी क्लास पंजाबी लाजमी करने वास्ते आने विधानसभा के सैशन च राज भाषा एक्ट च लोड़ी सोध कर दी जाएगी विचार चर्चा च मंग उठी कि मां बोली की प्रफुल्लता लिए सरकार जनूनी रवैये नाल अगे आवे इस मौके हवाला दिता गया है पंजाब राज भाषा एक्ट की धारा 5 विच पंजाब विधानसभा च बने कानून आदि नूं अनुवाद किए जाने की व्यवस्था है पर कई दहाकियां मगरों भी सरकारां ने इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया दस दिए कि मुख्यमंत्री मान ने 21 फरवरी तक सारे ही सरकारी निजी अदारियां ते साइन बोर्ड पंजाबी च लिखण की हदायत की हुई है इस बारे नुकता उभरिया है कि सरकार नूं निजी अदारियां च पंजाबी भाषा लागू कराने लई राज भाषा एक्ट सोध करनी पवेगी रिया मान दे वल्लों ये भी किया गया सी कि जेकर 21 फरवरी तक सारिया सरकारी ते निजी अदारे ते साइन बोर्ड पंजाबी च ना लगे तो उस तो बाद जुर्माना भी लगेगा कार्रवाई भी होगी सो मीटिंग दे विच हाजर चिंतकां ने कहा सूबे च इस वेले नर्सरी क्लासां च पंजाबी दी पढ़ाई नहीं हो रही है और प्राइमरी पद्धर तक खास तौर पर पंजाबी भाषा च बच्चों परिपक्व बनाने विशेष उपराले होने चाहिए ने विचार चर्चा को समेटदियां कुलतार संधवा ने नर्सरी तो पंजाबी की पढ़ाई लाजमी किए जाने पंजाब च लाइब्रेरी एक्ट बनाए जाने की गल पर जोर दिता है।